हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 3 की गणित, जिसका चैप्टर है 10वां और हमारे चैप्टर का नाम है पैटर्न की पहचान। इस पूरी वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर पैटर्न की पहचान, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है पैटर्न चारों ओर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पैटर्न चारों ओर। हम रोज़ कई तरह के पैटर्न जो होते हैं वो देखते ही रहते हैं। उदाहरण के लिए कटीले पैटर्न, जैसे कि इसमें कभी कभी ऐसी हमको डिज़ाइन मिल जाती है तो उसको हम कटीले पैटर्न कहते हैं। कभी तो खिड़कियों के ग्रिल के रूप में हमको पैटर्न दिख जाते हैं। तो आपने अक्सर भी कभी ना कभी देखा ही होगा खिड़कियों में इस तरीके से पैटर्न दिए गए होंगे, ठीक है। इस तरीके के पैटर्न आपको दिख जाते होंगे। तो कभी आपने सांप वाला पैटर्न देखा होगा, तो सांप की बॉडी पे कुछ इस तरीके के पैटर्न जो होते हैं वो बने होते हैं, वो सांप का पैटर्न हो गया। अब ये कह रहे हैं अपने चारों ओर देखो और ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें तुम्हें कुछ पैटर्न दिखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पैटर्न बनाओ जिन्हें तुम अपने चारों ओर पाते हैं। तो जैसे कि हमारे जो विंडो है, हमारी विंडो में कैसा पैटर्न है? हमारी विंडो में कुछ इस तरीके का पैटर्न है, ठीक है। उसमें क्या बना हुआ है? इस तरीके से खिड़कियां जो हैं वो आ रही हैं। किस तरीके से खिड़कियां जो हैं वो आ रही हैं? उनमें ये बीच में गोला बना हुआ है और कुछ इस तरीके से खिड़की का पैटर्न बना हुआ है। ऐसे आप भी अब देख सकते हो आपकी खिड़की में कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ये जो पल्लवी है इसका नाम क्या है? ये कह रही है नमस्ते, तो आप भी इसको नमस्ते कर लो। कह रही है मैं पल्लवी हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ, मेरा सुंदर शहर है और छपाई वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है। तो इसका शहर जो जयपुर है वो कह रहा है सुंदर छपाई के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? जयपुर जो है सुंदर छपाई के लिए जाना जाता है। छपाई के कुछ डिज़ाइनों को देखो और जिन्हें मेरी माँ ने बनाया है। तो इसके कुछ डिज़ाइंस हैं इस पल्लवी की माँ ने जो बनाए हैं, जैसे कि ये मोर की डिज़ाइने हैं। इसको अलग अलग तरीके से इन्होंने एडजस्ट कर दिया है, डिज़ाइन सेम है पर इन्होंने मोर को ऐसे लगाया है, फिर ऐसे लगाया है, ठीक है। मतलब मोर को जो इन्होंने इस पैटर्न में लगाया है, ठीक है, हर बार इन्होंने मोर को इसी पैटर्न में लगाया है। इसमें क्या किया है? ऐसे पैटर्न में लगा दिया है उसी मोर को, इसी मोर को ऐसे पैटर्न में लगा दिया, ठीक है, इसी मोर को ऐसे पैटर्न में लगा दिया। हम एक ही डिज़ाइन को कई पैटर्न में लगा सकते हैं। अब क्या है, अब क्या दिखा रही है? वे इन डिज़ाइनों को भी एक ब्लॉक या ठप्पे का बार बार इस्तेमाल करके बनाती है। एक दिन में मुझे एक ब्लॉक मिला और मैंने एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाया। जैसे उसको एक ये ब्लॉक मिला और उसने क्या किया, ये इस तरीके का पैटर्न बना के सीधा उल्टा करके एक सुंदर सा पैटर्न बना दिया। फिर कहते हैं कि तुम जरा गौर से देखोगे तो पता चलेगा ये डिज़ाइन एक ही ब्लॉक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। जिस तरीके से हर ब्लॉक को धराया गया है, क्या तुम उस पैटर्न को दिखाई देता है? तो हाँ, हमने तो देख लिया है ये जो पैटर्न बना है तो सेम पैटर्न है, बस ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा है। ये हमारा सीधा है, ये हमारा उल्टा है, ये हमारा सीधा है। पैटर्न जो ब्लॉक जो है वो सेम है पर इसको उल्टा सीधा करके इन्होंने एक पैटर्न जो है वो बना दिया है। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? अब यहाँ पर लिख रहे हैं चित्रों का पैटर्न। किसका पैटर्न? चित्रों का पैटर्न। ये क्या कह रही है? ये कह रही है मैंने चित्रों के कुछ पैटर्न बनाए हैं, मैंने हर पैटर्न के लिए किसी नियम का इस्तेमाल किया है। तो इसने क्या किया है? हर पैटर्न के लिए किसी नियम का इस्तेमाल किया है। जैसे बच्चे ऐसे खड़े हुए हैं, ये एक इन्होंने बच्चों के खड़े करने का एक पैटर्न बनाया है कि बच्चे एक दूसरे के हाथ तो नहीं टच कर रहे हैं पर एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं। इस पैटर्न का नियम यह है कि दो लड़कों के बाद एक लड़की होगी,
फिर इसी को दोहराया गया है। तो दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा इनका पैटर्न ये है, दो लड़के फिर एक लड़की, दो लड़के फिर एक लड़की फिर दो लड़के, ये इनका पैटर्न है। ऐसे ही इन्होंने ये एक पैटर्न बनाया है, जैसे कि एक सीधा तीर एक उल्टा तीर, एक सीधा तीर एक उल्टा तीर, एक सीधा तीर एक उल्टा तीर, एक सीधा तीर और एक उल्टा तीर, इस तरीके से इन्होंने ये पैटर्न बनाया है। अब ये क्या कह रही है, ये कह रही है इस पैटर्न में एक तीर ऊपर की ओर है तो एक तीर नीचे की ओर, फिर इसी को बार बार दोहराया गया है। अब इन्होंने कुछ अभ्यास करने को दिया है, क्या अभ्यास करने हैं, ये देखिए नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, नीचे क्या दिया गया है, कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के नियम का पता लगाना है और पैटर्न को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो जो आकृति है वो तो सेम है, ठीक है, जो आकृति है वो तो सेम है, तो हम आकृति जो है वो तो हम सेम ही बना देंगे, जो आकृति दी गई है वो तो हमने सेम बना दी है, बस बीच में कलर का अंतर कर दिया है, कभी आसमानी है तो कभी पिंक है, तो हम इसमें आसमानी फिर एक छोड़ के आसमानी फिर एक छोड़ के हमारा आसमानी ही आएगा, तो हमने इसमें ये आसमानी कर दिया, इसमें भी हमने आसमानी कर दिया एक छोड़ के, फिर हमारा क्या है पिंक है तो हमने यहाँ पे ए पिंक कर दिया, ठीक है, इस तरीके से पिंक फिर एक छोड़ के पिंक फिर एक छोड़ के पिंक, ये वाला हमारा पिंक हो गया, तो ये हमारा एक पैटर्न जो है वो पूरा हो गया। ऐसे इस बार इन्होंने ए ए लिखा है, फिर बी लिख दिया, फिर ए ए लिखा, फिर बी लिख दिया, मतलब दो बार ए ए लिख रहे हैं फिर बी लिख रहे हैं, फिर इस बार हमारी किसकी बारी है, दो बार ए ए की बारी है, फिर हमारी किसकी बारी है, बी की बारी है, तो ये हमारा दूसरा पैटर्न हो गया। फिर इस बार इन्होंने गाक वाले क्वेश्चन में एक पत्ती थी, फिर तीन पत्तियाँ बनाई, फिर पाँच पत्तियाँ बनाई, फिर एक पत्ती, फिर तीन पत्ती, फिर पाँच पत्ती, फिर कितनी पत्ती बनेगी, एक पत्ती बनेगी, फिर कितनी पत्ती बनेगी, तीन पत्ती बनेगी, फिर पत्ती कितनी पत्ती बनेगी, पाँच पत्ती बनेगी, इस तरीके से ये हमारा जो है वो पैटर्न पूरा हो जाएगा। अगली बार क्या है, अगली बार जो है पैटर्न में क्या है, चौकोर सारे सब में तो इस तरीके से क्रॉस तो है, वो तो सब में ही करना है, तो हमने सब में कर दिया है, तो आगे क्या कह रहे हैं, इस बार इधर इसमें कलर था, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, तो इस बार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर इसमें जाएगा कलर, मतलब इस बार जो कलर है उसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर हमारा इसमें भरेगा कलर, और बाकी हमारे कैसे रहेंगे, बाकी जो कलर हैं वो हमारे ग्रीन ही भरे जाएंगे, ठीक है, ये आपको जो पूरा भरना है, पर मैं पूरा नहीं भर रही हूँ, मैं बस समझा रही हूँ आपको, ठीक है, तो इस तरीके से ये कर लिया जाएगा। अब ये लास्ट बचा है इसमें क्या है, आधा गोला इस तरीके से, फिर आधा गोला फिर इस तरीके से हुआ, फिर गोला नीचे से हुआ, फिर गोला हमारा इधर से हुआ, फिर हमारा गोला इस तरीके सेम टू सेम हुआ, फिर हमारा गोला कैसे हो जाएगा, गोला जो है इस तरीके से हो जाएगा, फिर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, फिर हमारा गोला किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, फिर इस वाला ये जो गोला है इसके बाद हमारा गोला ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर गोला हमारा नीचे की ओर हो जाएगा, फिर हमारा गोला ऐसे हो जाएगा, फिर हमारा गोला ऐसे हो जाएगा, फिर हमारा गोला कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये जो है ये ऐसे हमारा जो इसमें ये डिजाइन जो बनी है वो हमारी डिजाइन ऐसे बनी ही रहेगी, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न हो जाएगा। इसमें क्या है इन्होंने सुबह दोपहर शाम रात, फिर सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से हमारा पैटर्न चलेगा। फिर आगे ये क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में पैटर्न, मैंने एक नया पैटर्न बनाया है, जैसे कि पहले एक बनाया फिर नीचे की तरफ बनाया, ठीक है, फिर नीचे की तरफ दो बनाएं, फिर ऊपर की तरफ दो बनाएं, फिर नीचे की तरफ तीन बनाएं, फिर ऊपर की तरफ तीन बनाएं, फिर नीचे की तरफ कितने बनेंगे, चार बनेंगे, फिर ऊपर की तरफ चार बनेंगे, फिर नीचे की तरफ पांच बनेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ पांच बनेंगे, फिर ऊपर की तरफ भी हमारे पांच बनेंगे, ये हमारा बढ़ता हुआ पैटर्न है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है इसकी बात देख लेते हैं पहले ज़रा, इसकी जो बात है वो क्या है, ये कह रहा है लेकिन यह पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दोहराव नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ ये जो पैटर्न था वो बढ़ता जा रहा था, इसमें कोई दोहराव नहीं था। फिर ये क्या कह रहा है, तो क्या इसमें कोई नियम है, तो हाँ भाई इसमें तो नियम तो था ही,
ठीक है, बढ़ने का नियम था। ऐसे ही ये कह रहे हैं तुम इसमें कोई नियम ढूंढ सकते हो, पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो। फिर हम अपने ऐसे ही पैटर्न में नियम ढूंढ सकते हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये है, इसमें एक ब्लॉक दिया है, इसमें चार हैं, तो इसी को हमने पहले एक था, इसी को हमने चार कर दिए, ठीक है, इसी को हमने चार कर दिए। फिर हमने क्या कर दिए, कितने कर दिए, नौ कर दिए, ठीक है, मतलब कितने बढ़ाए, इसमें एक था, इसमें एक था, फिर चार कर दिए, फिर नौ हैं, ठीक है। फिर हमको कितने यहाँ पे कितने होंगे, एक का ये हमारा स्क्वायर, मतलब कि एक को एक से गुणा की तो क्या आया, यहाँ पे आप स्क्वायर तो समझेंगे नहीं, एक की गुणा एक से तो एक आया, ऐसे ही दो की गुणा दो से तो ये चार आया, अब तीन की गुणा तीन से तो नौ आया, तो इस बार क्या होगा, चार की गुणा चार से तो सोलह आएगा। तो इस बार हमारा ब्लॉक जो होगा कैसा बनेगा, चार चार खानों का बनेगा, ठीक है, चार खानों का हमारा ब्लॉक बनेगा इस तरीके से। इस बार हमारा क्या आएगा, पाँच की गुणा पाँच से, मतलब पाँच खानों का ब्लॉक बनेगा, पाँच खाने इधर से और पाँच खाने इधर से, ठीक है, इस तरीके का ब्लॉक बनेगा। इसमें एक ही खाने एक ही लाइन थी, इसमें दो लाइनें हो गई, इसमें तीन लाइनें हो गई, इसमें चार लाइनें हो गई, इसमें पाँच लाइनें हो गई, इस तरीके से ये जो है वो हमारा बन गया है। कुछ नहीं, मेरा बेबी आया हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें ऐसे ही क्या करना है, एक ब्लॉक है, ठीक है, इसी में कितने कर दिए, चार कर दिए, फिर इसी में कितने कर दिए, इसी में हमने कितने कर दिए, नौ कर दिए, इसी में अब कितने होंगे हमारे, क्या थे, सोलह होंगे। देखो इसमें एक ही त्रिभुज है, इसमें तीन त्रिभुज हैं, तो इसमें हमने कितने पार्ट किए थे, इसमें एक भी पार्ट नहीं था, तो इसमें बीच से एक पार्ट था, इसमें देखो दो पार्ट थे, दो बार लाइनें खींची थी, तो इसमें हम कितनी बार लाइनें खींचेंगे, तीन बार लाइनें खींचेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है, तो इसमें हम कितनी बार लाइनें खींचेंगे, एक दो और तीन लाइनें खींचेंगे, ठीक है, और इधर से भी एक, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक दो तीन, और इधर से भी लाइनें जो खींचेंगे, एक दो और तीन, इस तरीके से बनेगा। और ये वाला जो बनाएंगे, इसमें कितनी लाइनें खींचेंगे, इसमें दो लाइनें खींची हमने, एक और दो, इसमें एक लाइनें खींची थी, इसमें तीन लाइनें खींची, इसमें कितनी लाइनें खींचेंगे, चार लाइनें खींचेंगे, एक दो तीन चार, इधर से भी चार, एक दो तीन चार, इधर से भी चार, एक दो तीन चार, इस तरीके से हमारा ये जो है वो हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या है, इसमें एक लाइन है, तो इसने दो लाइनें कर दी, फिर इसमें तीन लाइनें कर दी, इसमें चार लाइनें कर दी, इस तरीके से, तो इसमें अब हमारी कैसे हो जाएंगी, पांच लाइनें हो जाएंगी, ठीक है, ये हमने पांच लाइनें खींच दी थी, ये हमारी पांच लाइनें हो गई। इसमें कितनी लाइनें हो जाएंगी, छः लाइनें हो जाएंगी, इसमें कितनी लाइनें हो जाएंगी, सात लाइनें हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से सात लाइनें बना देंगे। मेरी लाइन सही नहीं बनी है, लेकिन आपको सही सही सात लाइनें जो हैं उसका पैटर्न आपको सही से बनाना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अपने पैटर्न, अब आपको अपने पैटर्न बनाना है। जैसे मान लो आपने ये दो फूल बना दिए, दो पत्तियाँ बना दी, इसमें आपने तीन पत्तियाँ बना दी, इसमें आपने चार पत्तियाँ बना दी, इसमें आपने पांच पत्तियाँ बना दी, इसमें आपने छह पत्तियाँ बना दी, इस तरीके से आपका फूल जो है वो कंप्लीट हो गया। आप अपने कोई भी पैटर्न बना सकते हो, जैसे ये अपने दो एरो दिए नीचे, दो एरो दिए ऊपर, मतलब दो ऊपर दो नीचे, फिर दो ऊपर फिर दो नीचे, इस तरीके से आपने पैटर्न बनाया, या कोई आप ऐसा पैटर्न बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप, मतलब जो आपको पसंद आए, वो सिंपल सा पैटर्न चाहे टफ पैटर्न, वो आप बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कोई भी पैटर्न जो है वो आप बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अपने दोस्तों से कहो वे तुम्हारे द्वारा पैटर्न जो है वो उनको आगे बढ़ाना है, मतलब आपने जो पैटर्न बनाए हैं वो अपने दोस्तों से कहना है कि वो पैटर्न जो है वो आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे यहाँ पे लिखा है संख्या पैटर्न, ये क्या है हमारा संख्या पैटर्न। तो संख्या पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे लिखा है हमने चित्रों से कुछ पैटर्न बनाए, हम संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे क्या, देखो यहाँ पे सब में लास्ट में एक दिख रहा होगा, मैं जूम कर देती हूँ, देखो सब में लास्ट में हमको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो हमें पता चल गया है कि लास्ट में एक ही हो गया,
एक ही हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे दो है, फिर चार है, फिर छः है, मतलब दो के बाद तीन को छोड़ के चार कर दिया, फिर पाँच को छोड़ के छः कर दिया, सात को छोड़ के आठ कर दिया, नौ को छोड़ के दस कर दिया, फिर ग्यारह को छोड़ के क्या करेंगे, बारह करेंगे, फिर तेरह को छोड़ के क्या करेंगे, तेरह को छोड़ के हम क्या करेंगे, चौदह करेंगे। इस तरीके से ये जो पैटर्न है हमारा वो चलेगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ है ये अगली संख्या तो तुम्हें पता है ना, तो वो तो हमने बता दी अगली संख्या क्या होगी। ऐसे ही ये कह रहे हैं यह बढ़ता हुआ पैटर्न है, इसे आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे, तो इसी चीज़ को उन्होंने बढ़ाते हुए चलाया। तो अब हमें पता है यहाँ पे ये आएगा लास्ट में एक आएगा, तो दो से चार हुआ, चार से छः हुआ, दो का पहाड़ा पढ़ लो, तो सिंपल सी बात है, दो का पहाड़ा पढ़ लो, दो कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चुकू आठ, दो पंचे दस, दो चंग बारह, दो सत्य चौदह, दो अठे सोलह, दो दामन दो अठे सोलह, दुनियाम अठारह, और फिर दो दामन बीस, और फिर दो में बीस में दो जोड़ेंगे तो बाईस। इस तरीके से हम बना सकते हैं, ऐसे ही हमको पैटर्न जो हैं वो ढूंढने हैं, हमको आगे बढ़ाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्यावन है, मतलब हमको क्या दिख रहा है, दो बार पाँच, दो बार छः, तो मतलब इस बार क्या होगा, शुरुआत में दो बार सात आएगा, शुरुआत में दो बार आठ आएगा, ये हमको पता चल गया है। फिर क्या है, फिर एक के बाद छः है, फिर एक के बाद छः है, फिर मतलब फिर एक के बाद हमारा छः, फिर एक के बाद हमारा छः, इस तरीके से हमारा पैटर्न बनेगा। इसमें क्या है, सात का पहाड़ा चल रहा है, सात या इक्कीस, सात चौक अठाईस, सात पचे पैंतीस, मतलब सात दुनी चौदह, सात एक हम सात, सात दुनी चौदह, सात या इक्कीस, सात चौक अठाईस, सात पचे पैंतीस, सात छंग बयालीस, सात सते उनचास, सात अठे छप्पन, इस तरीके का पैटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे दो का पहाड़ा चल रहा है, लेकिन कुछ और भी है यहाँ पे, दो दुनी चार और चार दुनी आठ, ठीक है, मतलब कि सबका दुगना हो रहा है, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, बत्तीस दुनी क्या होता है चौंसठ, चौंसठ दुनी एक सौ अट्ठाईस, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक सौ अट्ठाईस दुनी क्या होता है, एक सौ अट्ठाईस दुनी होता है आठ आठ सोलह, और चार चार दो, दो चार एक पाँच, और दो एक पाँच, फिर दो, दो सौ छप्पन, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। फिर बारह तेरह चौदह, फिर यहाँ पर क्या आएगा पंद्रह, फिर क्या आएगा सोलह, ठीक है, फिर क्या आएगा सत्रह, ऐसे ही फिर चल रहा है ए बी सी, फिर क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा एफ, इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है वो चलेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखो और पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ना होगा। तो हर संख्या में कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे हमको बताना है। तो अगली संख्या में जैसे कि एक के बाद दो छोड़ा, तीन आया, तीन के बाद क्या छोड़ा, तीन के बाद हमने छोड़ा है, क्या छोड़ा है, इसको जूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं। देखो एक के बाद क्या आता है, दो आता है, दो हमने छोड़ा, दो के बाद तीन लिख दिया है, तीन के बाद हमने चार और पाँच छोड़ा, ठीक है, छः लिख दिया, फिर छः के बाद हमने क्या छोड़ा, सात आठ और नौ छोड़ा, मतलब तीन संख्याएं छोड़ी, पहले हमने एक संख्या छोड़ी, फिर दो संख्या छोड़ी, फिर तीन संख्याएं छोड़ी, इस बार हमको कितनी संख्याएं छोड़नी होंगी, चार संख्याएं छोड़नी होंगी, ग्यारह बारह तेरह और चौदह, ठीक है, मतलब हमारे क्या लिखना पड़ेगा, पंद्रह लिखना पड़ेगा, चार संख्याएं छोड़ी, आपकी हमको कितनी संख्याएं छोड़नी पड़ेंगी, पांच संख्याएं छोड़नी पड़ेंगी, मतलब पंद्रह के बाद क्या आता है, सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस और बीस, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इक्कीस आएगा, इक्कीस के बाद हमारी कितनी संख्याएं छोड़नी पड़ेंगी, छः संख्याएं छोड़नी पड़ेंगी, वो आप अपनी उंगली पे गिन लीजिए, बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस, सत्ताईस तक हमको छोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अट्ठाईस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, जगह नहीं है। ऐसे ही जीरो के बाद हमने क्या छोड़ा, एक छोड़ा, फिर एक के बाद हमने क्या छोड़ा, एक के बाद हमने क्या छोड़ा, एक के बाद हमने तीन चार पाँच छोड़ा, फिर पाँच के बाद ऐसे हम करते हैं, देखो इसको हम ऐसे करते हैं, जीरो के बाद दो लिख दिया, दो तियाँ छः, छः दूनी बारह, ठीक है, बारह दूनी चौबीस, और चौबीस तियाँ फिर कर देंगे, मतलब जीरो दूनी हो रहा है, फिर दो तियाँ हो रहा है, फिर दूनी हो रहा है, फिर तियाँ कर देंगे, फिर दूनी कर देंगे, ठीक है, बारह दूनी
देखो, दो तियाँ छः और छः दूनी बारह, बारह तियाँ छत्तीस आएगा यहाँ पे, चौबीस की जगह पे छत्तीस आएगा, छत्तीस आएगा, छत्तीस, हाँ तो यहाँ पे बारह तियाँ छत्तीस आएगा। ठीक है, पहले ये तो समझ लो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, फिर दूनी हुआ, फिर तियाँ, तियाँ हुआ, फिर दूनी हुआ, फिर तियाँ हुआ, फिर दूनी हुआ, तो छत्तीस दूनी बहत्तर होता है, तो बहत्तर तियाँ हमें करना पड़ेगा, तो तीन दूनी छः, तीन सत्ते इक्कीस, ये हमारा आ जाएगा 216। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, एक के बाद क्या छोड़ा, दो छोड़ा। ठीक है, दो के बाद ये हमारी कैसी संख्याएं लिखी हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, पर विषम अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या छोड़ा इन्होंने, इन्होंने दो छोड़ा, फिर कितना छोड़ा, तीन के बाद चार छोड़ा, पाँच छोड़ा, छः छोड़ा, फिर कितना छोड़ा, आठ नौ दस ग्यारह बारह, कई सारी संख्याएं छोड़ी हैं, तो मुझे तो लगता है ये अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं लिख रहे हैं, तो तेरह के बाद क्या आएगा, पंद्रह तो हमारी अभाज्य संख्या है यानी ना, सोलह है ना, सत्रह है हमारी अभाज्य संख्या, अठारह भी नहीं है, उन्नीस भी, उन्नीस है हमारी, बीस नहीं है, इक्कीस नहीं है, बाईस नहीं है, तेईस है हमारी, तेईस के बाद क्या आएगा, चौबीस भी नहीं, पच्चीस भी नहीं, छब्बीस भी नहीं, सत्ताईस भी नहीं, अट्ठाईस भी नहीं, उनतीस भी नहीं, तीस भी नहीं, इकतीस। ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी से भी नहीं कटती, ना किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसे दो, फिर एक, दो के बाद तीन लिख दिया, तीन दूनी छः कर दिया, इसमें क्या चल रहा है, इनके बीच का अंतर कितना है, एक है, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर तीन, छः में से तीन गया तो कितना बचा, तीन, ग्यारह में से छः गया तो कितना बचेगा, पाँच, इनके बीच का अंतर कितना है, सात, तो मतलब यहाँ पे हमारा विषम संख्याओं का अंतर चल रहा है, मतलब अब अंतर जो होगा वो नौ होना चाहिए, मतलब नौ और अठारह जोड़ देंगे, नौ दूनी अठारह, नौ तीन सत्ताईस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सत्ताईस हो जाएगा, इस बार हमारा अंतर क्या आएगा, ग्यारह आएगा, तो ग्यारह और सत्ताईस जोड़ दो तो अड़तीस हो जाएगा, इस बार हमारा अंतर क्या आएगा, तेरह आएगा। ठीक है, क्योंकि एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद ग्यारह, फिर तेरह हो रहा था, ऐसे ही तेरह अड़तीस में जोड़ लो, आठ और तीन ग्यारह, और तीन और एक चार, एक पाँच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, आगे इन्होंने लिखा है, आगे इन्होंने बच्चों के लिए नहीं, टीचर के लिए लिखा है, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ती नहीं, इसलिए मैं पढ़ ले रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, यह अध्याय बच्चों को अपना आसपास पैटर्न ढूंढने और उन्हें समझने में मदद करता है, उन्हें दोहराव वाले बढ़ते हुए पैटर्नों को या उदाहरण दिए जा सकते हैं कि उन्हें मोटिव या इकाइयों को पहचानना है जिससे ये पैटर्न बने हुए हैं, गुप्त संदेश या कोड बनाना भी पैटर्नों की पहचान बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे बच्चों की बीज गणित समझ विकसित होती है, उन्हें एहसास होगा कि लड़का लड़का लड़की नियम से बनने वाला पैटर्न ए ए बी या दो सीधे तीर एक उल्टा तीर नहीं है, कुछ रोचक और महत्वपूर्ण पैटर्न दिए गए हैं जिनका संबंध गणितीय संक्रियाओं से है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात टीचर के लिए कही, आपके लिए कोई बात नहीं है। आगे क्या है, आगे जो है वो ये है, देख लेते हैं फ्री, और आपसे ये बात कहना है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये हमारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे लिखा है संदेशों की लुका छुपी, तो संदेशों की लुका छुपी जैसे कि अमृता और परितोष जो है एक दूसरे को छुपे हुए संदेश लिख रहे हैं, जैसे क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं चतु चम चकी चस चज चह चह चहो चमे चके चकी चटी चन चमे चहूँ, इस तरीके से छुपे हुए संदेश जो हैं वो लिख रहे हैं। आखिर हमको देखना है कि छुपे हुए संदेश क्या हैं, तो ये कह रहे क्या तुम बता सकते हो कि वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चटी चुम चुम्पा पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। ये लिखे हैं नीचे दो छुपे हुए संदेश लिखे हैं, इनको देखो, छुपे हुए संदेशों को पता करो। जैसे क्या लिखा है, एक मुँह दो झे तीन तू माँ चार माँ पाँच से छः प्या
और सात र यह आठ है, तो क्या करना है इसमें? एक दो और तीन को, चार को, पाँच को, छः को, सात को, आठ को काट दो तो क्या हो जाएगा? मुझे तुमसे प्यार है। या बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है भाई? कोडिंग सिखाई जा रही है बात करने की, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है भाई। गलत है, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोग। हैं यहाँ पे क्या लिखा है? कह खे ग ग की घ त बड़ चम छजे ज ज ज ध ज र झ व हैं, इस तरीके से कुछ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या है ये हमको पढ़ना है। तुम भी ऐसे छुपे हुए संदेश जो हैं वो हमको बनाने हैं। ठीक है, वो हमको छुपे हुए संदेश बनाने हैं। तो जैसे कि इसको मैं पढ़ना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये का काट दो, खा काट दो। ठीक है, यह, ठीक है, अब गा काट दो, घा काट दो, औड़ा काट दो तो यह किताब। ठीक है, चा काट दो, छा काट दो, और ये वाला जा काट दो, और झा काट दो मज़ेदार, वहाँ काट दो यह किताब मज़ेदार है, यहाँ पे ये लिखा है। इस तरीके से हम जो है वो पढ़ सकते हैं और हम अपने अपने जो हैं छुपी हुई राइटिंग जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं सम और विषम संख्याओं के पैटर्न बनाए हैं इन्होंने, सम और विषम संख्याओं के पैटर्न बनाए हैं। जैसे कि क्या हैं पैटर्न ये देख ले सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न क्या हैं, जैसे कि क्या पैटर्न दिए गए हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, फिर 81, 82, 83, 84, 85। इस तरीके से इन्होंने उल्टी गिनती जो है वो लिखी है, एक से लेके उन्होंने उल्टी गिनती लिखी है। ठीक है, तो हमें पैटर्न बनाने हैं किसके, सम और विषम संख्याओं के पैटर्न बनाने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ सवाल दिए हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि इन संख्याओं में आधी संख्याएं पीले खानों में हैं, आधी संख्याएं जो कैसी हैं नीले खानों में दिख रही हैं। ये पैटर्न को आगे बढ़ाना है, खाली जगह भरनी है। तो भाई यहाँ पे जो पीले खानों में संख्याएं हैं वो कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। जो पीले खानों में संख्याएं दी हैं वो हमारी सम संख्याएं हैं, और जो नीले खानों में दी हैं वो हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने दिया है। आगे इन्होंने ये क्या दिया, 98 दिया, फिर 98 दिया, तो 96, 98 के बाद क्या आ रहा है? 96, 98 के बाद हमारा क्या आ रहा है? 96, 98 के बाद हमारा 100 आ रहा है। क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा? तो हमको यहाँ पे 100 भरना पड़ेगा। 100 के बाद 102, 102 के बाद एक छोड़ के मतलब 96, 96 का 97 छोड़ दिया। ये हमारी सम संख्याएं हैं, छोड़नी कैसी हैं? विषम संख्याएं छोड़नी है और सम संख्याएं करनी है। 97 छोड़ दिया, 98 लिख दिया, 99 छोड़ दिया, 100 लिख दिया, 101 छोड़ दिया, 102 लिख दिया, 103 छोड़ दिया, क्या लिखेंगे? 104 लिखेंगे, 105 छोड़ दिया, 106 लिखेंगे, 107 छोड़ दिया, 108 लिखेंगे, 109 छोड़ दिया, 110 लिखेंगे, 110 छोड़ दी, 111 छोड़ दिया तो 112 लिखेंगे। ये हमारी विषम संख्याओं का पैटर्न है, ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे अगर क्या करें, इसे ही हम क्या कहते हैं, इनको ये खास संख्याएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। फिर ये कह रहा है क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसके अंत में 3 या 5 होता है? तो भाई ऐसी कोई संख्याएं नहीं थी जिनके अंत में 3 या 5 आता है, क्योंकि 3 और 5 अंक वाली संख्याएं हमारी कैसी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। फिर अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नीले रंग की संख्याओं का पैटर्न देखो। ये कह सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या होते हैं? तो सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या होते हैं मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं सारी संख्याएं लिख रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 0। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, नीले कलर वाली हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो ये और ये जो नीले कलर के गोले में हैं वो हमारी विषम संख्याएं हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट अंक जो है अगर ये संख्याएं हैं तो समझ लो वो हमारी विषम संख्याएं हैं। और जिन संख्याओं में ये 0, 2, 4, 6, 8 आता है लास्ट में वो हमारी सम संख्याएं होंगी। इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो, जैसे कि ये हमारी विषम संख्याओं का पैटर्न दिया गया है। तो 99 के बाद इन्होंने 100 छोड़ा, 101 लिखा, 101 के बाद 102 छोड़ा, अब क्या लिखा जाएगा? 103 लिखा जाएगा, 103 के बाद 104 छोड़ा, 105 लिखा, 105 के बाद 106 छोड़ा, 107 लिखा, 107 के बाद 108 छोड़ा, 109 छोड़ा, 109 के बाद 110 छोड़ा, फिर हमारा 111 आएगा,
111 के बाद 112 छोड़ा 113 आएगा। ये हमारी विषम संख्याओं का पैटर्न है। अब ये कह रहे हैं नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या हैं, तो नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक जो क्या हैं वो हमारा 99 है। क्या है? 99 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? अब ये कह रहे हैं वे सभी विषम संख्याएँ जिनका आखिरी अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, तो वे क्या हैं? विषम संख्याएँ हैं। ये बात मैंने अभी आपको बता दी है। अब ये क्या कह रहे हैं, 400 से 410 के बीच की सभी विषम संख्याएं हमको लिखनी है। तो 400 से 410 के बीच में, तो 400 के बाद क्या आता है? 401 आता है। फिर 402 छोड़ना है क्योंकि वो सम संख्या है। ठीक है, फिर हमारा 403 आएगा, फिर हमारा 405 आएगा, फिर हमारा 407 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? 409 आएगा। ठीक है, जिनमें ये अंक लास्ट वाले आ रहे हैं वही हमारे विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे ही ये कह रहे हैं 155 से 165 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखनी है। तो 155 से 165 के बीच में, तो 155 के बाद क्या आता है? 156। फिर क्या आएगा? 157 छोड़ना पड़ेगा, 158। फिर हमारा क्या आएगा? 160। फिर हमारा क्या आएगा? 162। फिर हमारा क्या आएगा? 164। फिर हमारा क्या आएगा? 164 तक ही लिखना है, 165 तक ही लिखना है, तो हमारा यही लास्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब ये हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें एक सम संख्या मिलती है। तो क्या मिलती है हमें? क्या मिलती है? एक सम संख्या मिलती है। तो भाई किसी एक विषम संख्या में हम एक छोड़ते हैं तो हमको क्या मिलती है? विषम संख्या मिलती है। कैसे? एक में अगर हमने एक जोड़ा तो हमको क्या मिला? दो मिला। तो दो हमारा क्या है? सम संख्या है। ऐसे ही अगर हमने तीन, जो हमारी विषम संख्या है, इसमें हमने एक जोड़ा तो हमको क्या मिला? चार मिला। चार हमारी क्या है? सम संख्या है। ऐसे ही हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, अगर विषम संख्या में सम संख्या में हम एक जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलती है? विषम संख्या मिलती है। विषम संख्या मिलती है मतलब ये हमारा 5 हो गया। ऐसे ही हमने 6 में अगर एक जोड़ा तो हमको क्या मिला? 7 मिला। 7 भी हमारी क्या है? विषम संख्या है। अगर सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो हमको विषम मिलेगा, विषम संख्या में एक जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो भी हमको सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो हमको विषम मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो हमको विषम मिलेगा, और विषम संख्या में एक जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगी। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं किसी विषम संख्या में जब तुम एक सम संख्या जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो जब किसी विषम संख्या, मान लो 7 है विषम संख्या, इसमें हमने सम संख्या जोड़ दी तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बता सकते हो? 10 मिला, तो 10 क्या है? हमारी सम संख्या है। मान लो हमारी 5 है, 5 में हमने जोड़ दिया 2। ठीक है, 5 में हमने 2 जोड़ दिया तो हमको 7 मिला, 7 तो हमारी विषम है। तो हमको कुछ भी मिल सकता है, सम भी मिल सकता है, विषम भी मिल सकता है। किसी विषम संख्या में जब हम सम संख्या जोड़ेंगे तो हमको विषम भी मिल सकता है और सम भी मिल सकता है। ये हमारी संख्या पर डिपेंड करता है। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है नामों का एक क्रम। ठीक है, किसका क्रम? नामों का एक क्रम। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है आदिल को नीचे दी गई सूची इस प्रकार बनानी है कि वह नाम सबसे पहले आए, जो आ से शुरू होता है, फिर आ, ई, ऊ इत्यादि, उसके बाद का, खा, गा इत्यादि, जो नाम सबसे पहले आएगा उसके सामने एक लिखें। इसी क्रम में हमको नंबर भरने हैं। ठीक है, तो इस क्रम में भरना है हमको। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले हमारा का है। यहाँ पे मुझे तो सबसे पहले का ही दिख रहा है, तो हमारा एक नंबर हो गया। एक नंबर तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आ भी है, बड़ा आ भी है, तो ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, और ये तीन नंबर हो गया। ठीक है, फिर हमारा ये चार नंबर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये पांच नंबर हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारा छः नंबर हो गया। फिर उसके बाद ये सात कहाँ गया? ये सात नंबर हो गया, ये आठ नंबर हो गया, फिर उसके बाद ये नौ,
ठीक है, इस तरीके से ये हमको भरना है। ठीक है, छोटा बड़ा आपको आता है, इस तरीके से हमको भरना है, आप भर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। और आगे क्या लिखा है, जलज को अपने खास नाम पर ना जाए, वह कहता है कि अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो भी वो जलज ही रहेगा। मतलब जलज हमारा कैसे लिखा जाता है, जलज हमारा ऐसे लिखा जाता है, इसको हम उल्टा भी लिखेंगे, इसको अगर मैं पहला वाला जा लास्ट में कर देंगे, लास्ट वाला जा पहले कर देंगे, और ला को अपनी जगह पर लिखेंगे तो वो उल्टा सीधा एक समान रहेगा। ठीक है, जैसे कनक जलज, ठीक है, ये उल्टा करने पे भी हमारे सेम रहेंगे। अब ये कहते हैं तो उस पे निशान लगाना है, किस पे निशान लगाना है, जो उल्टा करने पे सेम रहता है, तो कनक ऐसा नाम है जो उल्टा सीधा करने पर एक समान रहता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर है जो वो ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को हमारी लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन ये है 30 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि 30 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। अब बारी आती है हमारी गुरु दक्षिणा की। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो आप हमारी गुरु दक्षिणा ज़रूर देकर जाएंगे। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को शेयर करना है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब तो एक बार होता है, पर शेयर तो आप बार बार कर सकते हो, मतलब हर बार में आप हमारी गुरु दक्षिणा दे सकते हो। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, किसी भी चैनल पर, आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप गुरु दक्षिणा जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।